everybody else. We didn't think that. I'm going up on the bed. मिला क्या हुआ कि इनको बुला लिया गया कि आप ऑपरेशन थिएटर में आ जाइए, आप कुछ ऑर्गन मिल गए हैं। फिर टीम वहां जाती है जिनके अंग लेने होते हैं, तो कई बार पता लगता है कि ये अंग इस बच्चे के लिए सुटेबल नहीं है। तो ऐसे तीन अटेम्प्ट फेल होने के बाद चौथे अटेम्प्ट में इसको मतलब एक बार आशा जाग जाती है कि भाई मुझे ऑर्गन मिल गए, मेरा जीवन बच जाएगा, पर वो फेल हो जाती है। फिर निराशा मिलती है, फिर दूसरा अटेम्प्ट हुआ, फिर तीसरा हुआ, तो चौथे अटेम्प्ट में 12 दिसंबर 2022 को ऐसा सफल हो पाया। बच्चे को अक्टूबर में सांस लेने में तकलीफ आई और बोलने में बोल बैठता चला गया। उसके पश्चात इन्हें डॉक्टरों को चेक कराया, पीजीआई में चेक कराया, एम्स में चेक कराया, मेदांता में चेक कराया, लेकिन सभी ने इसको जवाब दे दिया कि भाई आप एक या दो महीने का आपका कार्यकाल बच रहा, और सब ने मना कर दिया कि आपका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। कारण क्या था कि इसका जो हार्ट है, एक तो हार्ट बैठ गया और दोनों लंग्स जो थे उन्होंने काम करना बंद कर दिया। तो जब ये सारी चीज़ें आएगी तो ये आके घर मायूस होकर बैठ गया। इन्होंने, ये धर्मवीर जी हैं, इसी गांव से हैं, इनके पास जाकर रोने लग गया कि भाई मेरे पास तो कुछ भी नहीं, और ये परिस्थिति है। उस दिन इनके पास 19 रुपये केवल थे। फिर ये डॉक्टर प्रतीक हैं, इनके पिताजी के साथ इस तरह की घटना घटी थी, तो इनके पास एक्सपोजर था। इन्होंने इनसे संपर्क किया और इन्होंने सारा मार्गदर्शन किया कि भाई इसको उस चेन्नई का एक हॉस्पिटल है वहाँ लेके जाओ, और वहाँ ले जा करके वहाँ इसके सारे टेस्ट कराओ, फिर आप वो वहाँ आपको बता पाएंगे। इसको लेकर के वहाँ गए और वहाँ उन्होंने इसके सारे टेस्ट करने के बाद ये बताया कि भाई इसका सारा उपचार संभव है, लेकिन खर्चा 50-60 लाख रुपये लगेगा। अब 50-60 लाख रुपये का खर्चा सुन करके तो इस परिवार में सदमा आ गया, इतने पैसे की समर्थ्या नहीं है, घर में 50 रुपये की भी समस्या थी। तो फिर हमारे धर्मवीर जी हैं, ये इनका बेटा है, डॉक्टर प्रतीक है, गांव के लोग हैं, इन सब ने मिलकर एक प्रयास शुरू किया भी कुछ पैसे इकट्ठे करें। तो 7 लाख रुपये इनके पास मात्र टोटल 7 लाख रुपये इकट्ठे हुए। 7 लाख इकट्ठे होने के बाद हाथ सबके खड़े हो गए। उसके पश्चात ये बच्चा जो है, ये इस बेटे को लेकर के मेरे पास आया और मेरे को इन्हें बताया भी ये मेरे टेस्ट हैं, सिर्फ 7 लाख का इंतजाम हुआ। तो मैंने उस दिन इनको बोला भाई आप निश्चिंत हो जाओ, आज के बाद आपको पैसे की कमी नहीं रहेगी, सारे पेमेंट की सारे व्यवस्था मैं करूँगा, मैं अपने दोस्तों से ले गाऊँ, अपने जेब से लूँ। और मैंने पूरी ताकत झोंक दी, रोज़ बैठता और रोज़ पैसे इकट्ठे करता। 35 लाख रुपये इकट्ठे जब हमारे पास हो गए, हमने कर लिए, तो फिर हमने इसको अक्टूबर एंड में वहाँ भेज दिया और वहाँ जा कर के इसका ट्रीटमेंट के लिए चालू हो गया। लेकिन पहले इवेंट में नहीं मिला, दूसरे में नहीं मिला, तीसरे में नहीं मिला, फिर चौथे उसमें अवसर में जा करके इसके एक्चुअल जो लंग्स जिसको चाहिए थे और हार्ट वो मिल गए। और 12 दिसंबर 2022 को इसका ऑपरेट हो गया और दोनों लंग्स और ये ट्रांसप्लांट हो गया हार्ट। उसके बाद ये वहाँ रहा, 25 जनवरी को इसकी वहाँ से छुट्टी होगी। छुट्टी होने के बाद कुछ समय वहीं रखा गया और वहाँ से वापस अपने गाँव में आ गया। और शुरू में 2 लाख रुपये महीने की इसकी दवाइयाँ चल रही थी, फिर अब 1 लाख रुपये महीने की पिछले 9 महीने से इसकी दवाई चल रही। उसकी व्यवस्था भी हमने ऐसी की हुई है ताकि इस परिवार को दिक्कत ना आए। और इसमें जो सबसे बड़ा योगदान है, शुरुआत का योगदान इनका रहा, डॉक्टर प्रतीक का, क्योंकि ये ना बताते, रास्ता मार्ग ना दिखाते तो हम वहाँ नहीं जा पाते इसको लेके। उसके बाद एक इस परिवार का ये बच्चा है, इस बच्चे के मामा का लड़का है रजत, इस रजत ने 2 महीने दिन रात एक करके ये वहाँ रहा, क्योंकि समय देना बहुत बड़ी बात थी। ये वहाँ रहा और इस बच्चे ने दिन रात मेहनत करके इसकी देखभाल करी, गुरुद्वारे में रुका, गुरुद्वारे से एक आना रोज जाना, वहीं खाना खाना और इसकी देखभाल करनी, ये बहुत बड़ा कार्य था। साथ में इनकी जो धर्मपत्नी है वो भी दिन रात वहाँ रही, लेकिन जो योगदान इसका था वो बहुत बड़ा योगदान था। साथ में एक इतनी बड़ी टीम हमने यहाँ तैयार कर ली थी कि जो पैसे इकट्ठे होते वहाँ ट्रांसफ़र करते, तो इसके अकाउंट के लिए हमने एक लड़का यहाँ सुमित है उसकी ड्यूटी लगा रखी थी कि जितने पैसे खाते में आएंगे वो ट्रांसफ़र करने की ड्यूटी उसकी थी। और सारी चीज़ों को कोऑर्डिनेट करने के लिए अनुज जो लड़का है, इसका बहुत बड़ा योगदान है। ये सारी चीज़ों को ये कोऑपरेट करता था, वहाँ पैसे कितनी कमी पड़ गई, कितनी जरूरत है,
कहाँ दवाई की जरूरत है, अब क्या समस्या की जरूरत है, तो वो कोऑर्डिनेट ये अनुज करता था। और इसमें 10 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक और पता नहीं कितने हजारों बच्चों ने 20-20 रुपये 50-50 रुपये 10,000-20,000 पता नहीं कितने लोगों का योगदान इसमें हुआ है। और हमें सबसे बड़ी अब खुशी इस बात की हो रही है कि ये सारी कुछ होने के पश्चात आज ये बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है, ये अपनी बाइक अपने आप चला लेता है और अपना खुश रहता है और ये इसका परिवार भी खुश है। तो ये हमारी बात थी, हमने ब्रीफ कर दी। अब आपको कोई प्रश्न हो तो आपकी कोई जिज्ञासा हो तो आप करें। सर कंबोज जो लड़का है नया गांव का, इसको बचपन से ही जब ये अपने माँ के गर्भ में था तो जो हृदय की संरचना है माँ के गर्भ में होती है किसी भी बच्चे की, उस संरचना में एक डिफेक्ट आ गया। उसे कहते हैं वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, जिसे हृदय में छेद भी कहते हैं। तो हृदय में छेद जब ये अपने 3 वर्ष की आयु में होगा, तो जो लोकल डॉक्टर 1990 के दशक में ये संबंध किसी से संपर्क में आया होगा, तो डॉक्टरों ने कह दिया कि आपके हृदय में छेद है। और इस समय 90 के दशक में इनके पिताजी को कहा होगा कि आप किसी बड़े अस्पताल में जाके इस हृदय के छेद का उपचार करा लें, क्योंकि परिवार बहुत साधारण था और 90 का दशक था। तो पिताजी ने, क्योंकि बच्चे को ऐसी कोई बहुत गंभीर या जानलेवा स्थिति तो उस समय थी नहीं, तो ये इग्नोरेंस में और लापरवाही कह लीजिए या नासमझी कह लीजिए या नादानी कह लीजिए, उसमें ये बच्चा चला गया और ये जीवन इसका नॉर्मल सुचारू रूप से चलता रहा। तो जब ये अब 3 साल से लेके अब ये आज 33 वर्ष की आयु का है, तो ये 2022 में 32 वर्ष की आयु का था। तो जो उस छेद की वजह से जो खून का संचार का की व्यवस्था है हमारे शरीर में फेफड़ों और हृदय के बीच में, उसमें आमूलचूल बदलाव आ गया। उसमें इतना बदलाव आ गया कि जैसे हमने सबने सुना है कि ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ऐसे जो फेफड़ों में खून की धमनियां हैं उनमें ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से जो इसके फेफड़े भी ख़राब हो गए और इसका हृदय भी ख़राब हो गया। और जो खून जिस नस में जाता है वो सारी जो संरचनाएँ बिगड़ गई, उसकी वजह से इसके नखूनों में भी बदलाव आने लगे, शरीर के रंग में भी बदलाव आने लगे। इसको खून की उल्टी हुई, इसकी आवाज़ बैठ गई। और इसको जब ये अलग अलग अस्पतालों में गया तो ये PGI में गए, फिर फोर्टिस में गए, एम्स में गए, फिर मेदांता में गए, तो उन्होंने इनको कहा कि आपका जो असली उपचार है वो कंबाइंड हार्ट एंड लंग ट्रांसप्लांट है, कि जिसमें आपका हृदय और दोनों फेफड़े ये बदले जाएंगे। परंतु PGI, एम्स दिल्ली और मेदांता गुड़गावा, तीनों अस्पताल ने इनको ये कहा कि ऐसी सुविधा हमारे पास उपलब्ध नहीं है, ऐसी सुविधा केवल देश के दक्षिणी हिस्से मद्रास और चेन्नई के आसपास अवेलेबल है, तो आप वहाँ एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो धर्मवीर अंकल से हमारा पारिवारिक प्रेम है, तो ये लड़का जब ऐसी इतनी बड़े ऑपरेशन की बात कही जो आम व्यक्ति की कल्पना की शक्ति से बाहर की बात थी, और तो ये धर्मवीर जी के पास गए। धर्मवीर जी ने मुझे संपर्क किया, क्योंकि मेरे पिताजी को किसी और बीमारी के संदर्भ में सन 2020 में, जब कोविड काल चल रहा था, कंबाइंड हार्ट एंड लंग ट्रांसप्लांट के विषय में डॉक्टरों ने कहा था। तो मैं अपने पिताजी को श्री महेंद्र खत्री जी को 2020 में चेन्नई जुलाई 2020 में लेके गया था। सब व्यवस्था वहाँ हो चुकी थी पर भगवान की मर्ज़ी कुछ और थी, तो वो किसी कारण से कंबाइंड हार्ट एंड लंग ट्रांसप्लांट उनका अगस्त 2020 में नहीं हो पाया। पर वहाँ की सारी चिकित्सा व्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा व्यवस्था, जो अमेरिका में ये जो ऑपरेशन है ये सबसे ज़्यादा किया जाता है, वहाँ लोगों को इस तरह की बीमारियाँ कॉमन होती हैं, और क्योंकि वहाँ की एडवांस चिकित्सा व्यवस्था है और ये बहुत खर्चीली है, तो और वहाँ का हेल्थ इंश्योरेंस सिस्टम अलग है, तो उस प्रकार की व्यवस्था हिंदुस्तान में डेवलप नहीं हो पाई। इसमें 2 मुख्य मुद्दे हैं, एक तो ऑर्गन का दान करना, कि किसी भी ट्रांसप्लांट के लिए ऑर्गन का दान करने वाला, जो 2 तरह के अंग के प्रत्यारोपण होते हैं, एक जो व्यक्ति जीवित होता है और एक जो ब्रेन डेड होता है। ट्रांसप्लांट है जो व्यक्ति मरणासन होता है उसका परिवार फैसला करता है कि इसके जो ऑर्गन शरीर में काम कर रहे हैं वो किसी ज़रूरतमंद को दे दिए जाएँ। ऐसी व्यवस्था या ऐसा सामाजिक परिवेश उत्तर भारत में नहीं है। यहाँ बहुत कम लोग हैं जो एक्सीडेंट की वजह से मरणासन हो या ब्रेन डेड जिन्हें कहते हैं, वो अपना अंग का प्रत्यारोपण के लिए दान अंग का नहीं करते। पर देश के दक्षिणी हिस्से में मुख्यतः जो
चेन्नई है या तमिलनाडु है और केरल है, इस हिस्से में ऐसा सामाजिक परिवेश है कि वहाँ लोग अंगदान जो है बहुत बहुत कॉमन एक प्रैक्टिस है वहाँ पे। तो इनको क्यों, तो इसको जब धर्मवीर जी ने इनको मुझे भेजा, फिर मैंने एक MGM हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड, एक चेन्नई में निजी संस्थान है, वहाँ मैं अपने पिताजी को ले गया था। तो वहाँ मेरे सब जो सर्जन हैं, जो फिजिशियन हैं, जो मार्केटिंग के लोग हैं, उनसे मेरे क्योंकि निजी संबंध बन गए थे इस विषय पे, जो चाहे वो हृदय का प्रत्यारोपण हो, चाहे फेफड़ों का प्रत्यारोपण हो, चाहे कंबाइंड हृदय एवं फेफड़े का प्रत्यारोपण हो, इसमें मेरी निजी जो रुचि है, क्योंकि मेरा जो प्रोफेशन है वो भी हेल्थ केयर से जुड़ा हुआ है और इसमें मेरी एक निजी रुचि भी थी। तो मैंने जितना भी बौद्धिक जो सपोर्ट है मैं जितेंद्र जी के परिवार को दे सकता था मैंने दिया, वहाँ के डॉक्टरों से, वहाँ की डॉक्टरों की टीम से संपर्क किया, और ताकि इनको जल्दी से जल्दी इनका प्रत्यारोपण हो जाए, क्योंकि दिल्ली के डॉक्टरों ने, मेदांता के डॉक्टरों ने इनको ये कह रखा था कि इनका जीवन काल जो है 2-3 महीने का ही रह गया है। तो एक छोटे कालखंड में ही इतना बड़ा प्रत्यारोपण को कर पाना एक चुनौती थी, भगवान की कृपा थी, सब समाज का दर्शन, रोशनलाल काम्बोज जी का, धर्मवीर जी का, इनके भाई रजत जी का और अनुज काम्बोज जी का जो है आर्थिक, बौद्धिक और सामाजिक सपोर्ट सिस्टम था। तो इस वजह से 12 दिसंबर 2022 को इनका प्रत्यारोपण सफल हो पाया, जिसे हम कंबाइंड हार्ट एंड लंग ट्रांसप्लांट बोलते हैं। ये हरियाणा का पहला ऐसा केस है जो ये प्रत्यारोपण सफल हो पाया, और प्रत्यारोपण तो अपने आप में एक चुनौती थी ही थी, पर इनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति और सामाजिक आर्थिक चुनौतियों को आज सामना करके भी ये सफल हो पाई सारी प्रक्रिया, या सारा ऑपरेशन, या सारी मुहिम, जो जन आंदोलन था, जो मार्मिक जो ये सारी स्थिति थी, आज ये हम आप लोगों के सामने, जो जितेंद्र काम्बोज जी हैं बिल्कुल ठीक हैं, ये अपनी नौकरी कर रहे हैं और ये अपना जीवन सुचारू रूप से जी रहे हैं। तो इस जो संवाद है इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हृदय प्रत्यारोपण और दोनों फेफड़ों का प्रत्यारोपण और कंबाइंड हार्ट एंड लंग का प्रत्यारोपण, जो हमारे उत्तर भारत में, विशेषकर हरियाणा के इस भाग में, जिसके विषय में कम जानकारी है, बहुत लोग होते हैं जिनके हार्ट फेल हो जाते हैं, जिनका परमानेंट सॉल्यूशन हार्ट ट्रांसप्लांट है, उसके विषय में क्योंकि जानकारी नहीं है, और जो निजी अस्पताल हैं वो भी उस लेवल की उनकी जानकारी का कई बार अभाव भी रहता है, कई बार उस लेवल की, क्योंकि उन्होंने इसको प्रत्यक्ष रूप से देखा नहीं होता, तो उस लेवल का एक्सपोजर का कमी होता है। तो ऐसे लोग जिनको हृदय प्रत्यारोपण की ज़रूरत है, या जिनके फेफड़े ख़राब हो गए, या जिनका दोनों ही प्रत्यारोपण की कंबाइंड ज़रूरत है, या इसके अलावा ऐसे प्रत्यारोपण है जैसे कि गुर्दे का प्रत्यारोपण है या लीवर का प्रत्यारोपण है, जहाँ आपके पास लिविंग डोनर नहीं है कि परिवार में चाहे बेटा हो, चाहे पुत्रवधु हो, भाई हो, बहन हो, जो प्रत्यारोपण नहीं करते, तो ब्रेन डेड पेशेंट का ऑर्गन लेके प्रत्यारोपण, चाहे वो लीवर का हो, चाहे किडनी का हो, चाहे हार्ट का हो, चाहे फेफड़े का हो, चाहे कंबाइंड हार्ट एंड लंग का हो, ये प्रत्यारोपण एक सामाजिक कल्चर है और मेडिकल कल्चर है देश के दक्षिणी हिस्से में। अंकुश को उर्फ जितेंद्र उर्फ अंकुश काम्बोज को कंबाइंड हार्ट एंड लंग ट्रांसप्लांट की ज़रूरत थी, जिसमें हृदय और दोनों फेफड़ों का प्रत्यारोपण का इसको आवश्यकता थी। तो इसको एम्स दिल्ली, PGI चंडीगढ़ और मेदांता हॉस्पिटल गुड़गावा ने जवाब दे दिया कि इस प्रकार की सुविधा हमारे पास नॉर्थ इंडिया में अवेलेबल नहीं है, तो आप इसके लिए साउथ की तरफ रुख करें। तो क्योंकि मेरे को अपने पिताजी के बीमारी के समय से मेरे दक्षिण भारत में भ्रमण किया था और इस विषय में मुझे पूरी जानकारी थी, तो इनके पारिवारिक संबंध के माध्यम से मुझे ये केस मेरे सामने आया। तो मैंने साउथ के एक हॉस्पिटल MGM हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड चेन्नई में इस प्रकार की इस केस के विषय में पूरी चर्चा की, वहाँ के डॉक्टरों के साथ एक वार्तालाप करके इस पेशेंट को वहाँ हमने ट्रांसफ़र किया चेन्नई। ट्रेन के माध्यम से पेशेंट वहाँ पहुँचा और गुरुद्वारे में रहा, और 12 दिसंबर 2022 को इसका चौथे अटेम्प्ट में जो है इसका प्रत्यारोपण सफल हो पाया। 3 अटेम्प्ट इसमें फेल हो चुके थे, तो डॉक्टरों ने इसको लगभग 2-3 महीने का कहा था कि आपकी आयु शेष है,
पर भगवान की कृपा से इनका प्रत्यारोपण उस प्राइवेट निजी अस्पताल में सफलतम तौर पे हो पाया। वहाँ डॉक्टर के आर बालाकृष्णन और डॉक्टर अपार जिंदल की एक टीम है जो फेफड़ों का प्रत्यारोपण, हृदय का प्रत्यारोपण और कंबाइंड हार्ट एंड लंग ट्रांसप्लांट को देखती है। उनसे मेरे निजी संबंध थे क्योंकि मैं अपने पिताजी के केस में वहाँ गया था, और जब मैंने देखा कि उत्तर भारत में विशेषकर हरियाणा में इस प्रकार की जानकारी या का अभाव है, तो मेरा भी इसके प्रति एक निजी स्नेह था कि जो मुझे को जानकारी है वो किसी के उपयोग में आ जाए। तो मैं भगवान की असीम कृपा रही कि वो मेरी जानकारी इस जितेंद्र काम्बोज उर्फ अंकुश काम्बोज नया गांव का जो पेशेंट है या निवासी है उसके काम आई। जब कोई भी प्रत्यारोपण होता है, चाहे हृदय का हो, गुर्दे का हो, जो कि नॉर्थ इंडिया में कॉमनली हो जाते हैं, नॉर्थ इंडिया में अगर कोई कॉमन ऑपरेशन नहीं होते वो हृदय, फेफड़े और कंबाइंड हार्ट एंड लंग नहीं होते। इनमें आप जो इम्यूनो सप्रेसेंट्स देते हैं, क्योंकि किसी और के शरीर का अंग आपने इनके शरीर में लगाया है, तो जो शरीर की इम्यून व्यवस्था है वो इनको उन ऑर्गन पे अटैक करती है, तो उसके लिए हम इम्यूनो सप्रेसेंट्स देते हैं कि जो इम्यूनिटी है, जो शरीर की अपनी इम्यूनिटी है, इनके जो नए प्रत्यारोपित अंग हैं उनके ऊपर अटैक ना करें। तो कुछ इम्यूनो सप्रेसेंट्स हम पेशेंट को देते हैं, तो उस वजह से पेशेंट की इम्यूनिटी कुछ कम हो जाती है। तो इन्फेक्शन है या बहुत ज़्यादा भीड़ में मिलना जुलना है, तो मास्क का प्रयोग जो है वो इसमें बहुत ही ज़्यादा एडवाइजेबल होता है। और मेनली एक अपनी दवाइयाँ और जो आपके ब्लड टेस्ट हैं जो शरीर में ये चेक करते रहते हैं कि कहीं आपके अपने शरीर ने ही तो इनके नए प्रत्यारोपित अंगों पे अटैक करना नहीं शुरू कर दिया, तो उसके एक सुचारू हर 2 महीने 1.5 महीने में टेस्ट होते हैं और कुछ दवाइयाँ होती हैं, जिसका खर्चा अभी इनका 1 लाख रुपये प्रति माह का आ रहा है। धीरे धीरे घट के 50,000, 30,000, 20,000 तक आ जाएगा, तो लगभग इनको ताउम्र 15,000-20,000 रुपये की दवाई जो है वो खानी पड़ेगी। 100% सफलता की रेट है। लंग ट्रांसप्लांट और हार्ट ट्रांसप्लांट, लीवर मतलब छाती के जो 2 अंग हैं जिसमें हार्ट और लंग आ गया, इसमें भी सबसे ज़्यादा सफलता रेट अगर आपका हृदय का प्रत्यारोपण हुआ है तो 15 से 20 साल उसकी सफलता की रेट है कि आप जो व्यक्ति का सफल ठीक हार्ट ट्रांसप्लांट हो गया तो 15 से 20 साल जीवित रह सकता है। ऐसे ही ट्रांसप्लांट देश में हुए ही कम है, मात्र लगभग आज तक 300 से 350 लंग ट्रांसप्लांट हुए। तो लंग ट्रांसप्लांट जो देश में शुरू हुए वो लगभग 2013 से स्टार्ट हुए, आज तक लगभग 350 से 400 लंग ट्रांसप्लांट ही देश में हुए। तो लंग ट्रांसप्लांट के बाद जिन्हें फेफड़े कहते हैं, उसकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहते हैं मेडिकल साइंस में लैंग्वेज, वो 5 से 10 साल है। और जो ये कंबाइंड हार्ट एंड लंग ट्रांसप्लांट है, ये मुख्यतः तौर पे केवल साउथ में ही हुआ है। ये लगभग आज तक केवल 50 ही ऐसे ऑपरेशन पूरे देश में हुए हैं, और वो भी केवल साउथ इंडिया के हुए हैं। नॉर्थ इंडिया और मुख्यतः तौर पे हरियाणा का ये पहला केस है। तो जो विदेशों में, क्योंकि इन्फेक्शन के चांस कम होते हैं, अच्छा मेडिकल व्यवस्था है, पोस्ट ऑपरेटिव केयर अच्छी है, तो वहाँ ऐसे भी एग्जाम्पल हैं कि कंबाइंड हार्ट एंड लंग ट्रांसप्लांट के बाद लोग 25-25 साल तक जीवित हैं। तो लगभग मेडिकल साइंस ये कहती है कि 10 साल की आयु, क्योंकि ये शुरू ही 2013-14 से हुए हैं, तो एक बहुत ऐसा डाटा कि ये कोई व्यक्ति कितने दिन जीवित रहता है, ये 20-30 साल की स्टडी के बाद तो दिया जा सकता है, क्योंकि इसकी शुरुआत ही अभी जो इसने पेस पकड़ी इस मुद्दे ने वो 2017 के बाद पकड़ी चेन्नई में भी, स्टार्ट ये 2012-13 में हुआ। तो 5 साल के अध्ययन के बाद एकदम ये कह पाना कि कोई व्यक्ति कितने दिन जीवित रहेगा, वो अभी एक कहें कि भी एक स्टडी का विषय है। सबसे ज़्यादा सफलतम जिसकी रेट है सक्सेस, वो है किडनी ट्रांसप्लांट की, फिर किडनी के बाद लीवर। तो किडनी और लीवर तो नॉर्थ इंडिया में बहुत होते हैं, जिसमें घर के ही डोनर होते हैं और घर का व्यक्ति जो खून से संबंधित होता है मरीज से वो प्रत्यारोपण कर देता है। जो मुख्य समस्या है, या जिसमें जैसे एक अनार 100 बीमार की एक कहावत है, तो ऐसे ही देश में प्रत्यारोपण के लिए ज़रूरतमंद लोग ज़्यादा हैं और प्रत्यारोपण के लिए अवेलेबिलिटी कम है। तो उस अवेलेबिलिटी को 2 माध्यम से पूरा किया जा सकता है, या तो उसके परिवार का ही कोई व्यक्ति उसको प्रत्यारोपण के लिए अंग दे दे, ये बात मैं कह रहा हूँ हृदय, किडनी और लीवर ट्रांसप्लांट के संदर्भ में। तो बट बहुत कम परिवार ऐसे रह गए हैं जिसमें परिवार का सदस्य अपने ही किसी दूसरे सदस्य को, तो इस केस में ब्रेन डेड जो पेशेंट्स हैं उनका प्रत्यारोपण लेके इस कमी को पूरा करना
जो है वो एक फिजिबल सॉल्यूशन है, बट वैसा सामाजिक ढांचा उत्तर भारत में नहीं है। यहाँ लोग अगर घर में कोई जवान मृत्यु हो जाती है तो उसको क्रीमेट कर देते हैं, वो अंग प्रत्यारोपण के लिए अपने अंग नहीं देते, चाहे वो फेफड़े हों, चाहे वो गुर्दे हों, चाहे वो जिगर जिसे लीवर कहते हैं या हार्ट हो। तो साउथ में ऐसी व्यवस्था, एक सामाजिक ढांचा बना हुआ है जिसके विषय में उत्तर भारत में जानकारी बहुत कम है। सक्सेस रेट है ये जो किडनी बेसिकली, ये बच्चा है जितेंद्र जिसकी एक बहुत गंभीर समस्या आ गई थी, इसके ऑर्गन जो हमारा हृदय है और लंग्स है वो खराब हो गए थे, पैसे की कमी थी, 1900 रुपये इसके पास थे, हम सब ने मिलकर सहयोग किया और 70 लाख रुपये एकत्रित करके इसका वो ऑपरेशन MG हॉस्पिटल चेन्नई में हमने करवाया और आज ये वो सफल है। 9 महीने पहले वो कराया था और आज ये बच्चा बिल्कुल सफल है, चल फिर सकता है, अपना काम कर सकता है और ये एक बहुत बड़ा हमारे मतलब हरियाणा का पहला एक ऐसा केस है जिसमें इतनी बड़ी सफलता मिली, जो बहुत कमज़ोर परिवार से है, घर में मतलब मजदूरी करते हैं परिवार के लोग, और उसके पश्चात लोगों ने, समाज के लोगों ने मेरे साथ मिलकर के एक मुहिम चलाई और वो मुहिम जो है ना रंग लाई, उसकी बदौलत आज ये बच्चा स्वस्थ अपने घर बैठा। सर ये जो मदद दी गई है आपके मन में कैसे सपना आया, इतना बड़ा काम किया? नहीं, मेरे पास जब ये आया तो मुझे ऐसा लगा भी मेरा बच्चा बीमार है, भी मेरा बच्चा ये भी अकेला बेटा है, मेरा भी एक अकेला बच्चा है, तो मेरे मन में एकदम ये आया भी मेरा अगर मेरे बच्चे को ये तकलीफ आ जाए तो क्या परिस्थिति होती उस बाप की। तो वो देख करके मैंने उसी दिन से बीड़ा उठा लिया और जितने भी पैसे की जरूरत पड़ती थी, जब जब ये मुझे बोलते थे मैं उतना पैसा इनको इकट्ठा करके देता गया, जब जब कहीं से नहीं होता तब मैं सारा पैसा अपनी जेब से देता था। इसमें टोटल 70 लाख रुपये खर्चा है और 9 महीने से 1 लाख रुपये पर मंथ की इसकी दवाई चल रही है, वो व्यवस्था भी हम मिलजुल के कर रहे हैं। बाकी सारा हमने अपना आप किया अपने दोस्तों से और लास्ट में जिस दिन छुट्टी होनी थी, जब सबके हाथ मारे भी हाथ खड़े होने की पोजिशन में आ गए, तो लास्ट का बिल 4.5 लाख रुपये का था, तो वो 4.5 लाख रुपये इनके पिताजी और इनके भाई ये मेरे पास आए, बोले जी आप हमारी ज़मीन है एक किला वो ले लो और हमें आज पैसे दे दो। मैंने कहा जी ज़मीन का मैं हाथ में लगाऊंगा, ज़मीन आपकी कितने पैसे कम पड़ गए जी? 4.5। मैंने 4.5 लाख रुपये इनके पिताजी को दिए और 25 को और 26 को इसकी माँ से छुट्टी कराई। सारी वार्ता का एक जो हमें सामाजिक संदेश देना, एक तो इसकी मार्मिक स्टोरी को आपके सबके समक्ष रखना, समाज के समक्ष रखना कि एक छोटे से गांव का, एक छोटे परिवार का, एक किसान परिवार का लड़का इन सब चुनौतियों को पार करके इस एक समाज के सहयोग से यहां तक पहुंचा, और एक और संदेश देना बाकी समाज के लिए कि ऐसी कोई जिसमें प्रत्यारोपण एक मुख्य मुद्दा हो, देश में जो प्रत्यारोपण की व्यवस्था है वो ऑर्गन डोनेशन एक्ट 1994 से कंट्रोल होती है, तो अगर किसी को आगे भी प्रत्यारोपण से संबंधित कोई परेशानी आ रही हो तो अनुज जी से या मेरे संपर्क में रह सकते हैं। मैं सिविल डिस्पेंसरी सेक्टर 17 हुड्डा में इंचार्ज हूँ, तो क्योंकि मेरा इसमें निजी रुचि भी है और मेरा एक्सपोजर भी है, और इस जितेंद्र कंबोज लड़के का जो नया गांव का निवासी है इसके विषय में जानकारी देना, इसके और प्रत्यारोपण के विषय में जानकारी देना ही हमारा एक ब्रेन डेड पेशेंट होता है जिनकी आइडेंटिटी एनोनिमस रखी जाती है ताकि कल को कोई किसी प्रकार की, एक देश में कानूनी व्यवस्था है, एक नोटो है, एक सोटो, एक देश में नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन ऑर्गेनाइजेशन होता है, स्टेट में स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो ऐसे एक देश में राष्ट्रीय स्तर पे और प्रदेश स्तर पे और रीजनल स्तर पे सरकार ने स्वास्थ्य व्यवस्था बनाई हुई है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर भारत सरकार ने, तो उसी के कानूनी अमली जामे में ही ये सारी जो प्रक्रिया पूरी होती है ताकि किसी प्रकार की कोई कानूनी अड़चन या किसी प्रकार का अंग का व्यापार देश में ना शुरू हो जाए, तो ये हाईली गवर्नमेंट कंट्रोल्ड व्यवस्था होती है। मरीज होता है जिसके जैसे मेरे पिताजी भी थे, वो पहले उनको ब्रेन डेड डिक्लेयर किया गया और फिर बाद में उनको जिसे कहते हैं कि कंप्लीट डेथ जिसे डिफाइन करते हैं, हाँ ब्रेन डेड, जिसका मतलब जिनके किसी कारण से जो रक्त का
संचार है वो ब्रेन के लेवल पे बंद हो गया और आपके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया, क्योंकि आपका दिमाग ही है जो शरीर के सभी अंगों को कंट्रोल करता है। तो ऐसा होता है कि ब्रेन डेड और फाइनल डेथ डिक्लेरेशन में 2-4-6 घंटे का एक ऐसा क्रिटिकल टाइम होता है कि जब आप किसी के अंग निकाल के उसको प्रत्यारोपण के लिए भेज सकते हैं। तो वो जो क्रिटिकल गोल्डन आवर्स होते हैं उसमें जिस संस्थान में मरीज दाखिल होता है वहाँ के डॉक्टरों की सजगता और वहाँ के सामाजिक ढांचे से ही ये डिफाइन होता है कि क्या अंग प्रत्यारोपण के लिए जाएंगे या नहीं जाएंगे। कोई पर्सन अगर ब्रेन कभी वापस नहीं आ सकता, वो बस ब्रेन डेड और फाइनल डेथ डिक्लेरेशन के जो बीच का टाइम होता है वो एक गोल्डन आवर कहते हैं उनको। तो गोल्डन आवर्स में आप दूसरे को जीवन दान दे सकते हैं, अभी आपका जीवन तो रहा नहीं, पर परिवार अगर फैसला सही समय पे कर ले तो दूसरे को जीवन दान दिया जा सकता है, क्योंकि हृदय और फेफड़े का प्रत्यारोपण देश में कम है, उसकी रिक्वायरमेंट भी जिगर या मतलब लीवर और किडनी ट्रांसप्लांट के कंपैरिजन में कम है। जैसे किडनी ट्रांसप्लांट की अगर 10,000 की रिक्वायरमेंट है तो हार्ट और लंग ट्रांसप्लांट की मात्र 500 की है। तो अगर आप ब्रेन डेड पेशेंट्स ऑर्गन देना शुरू कर दें या वैसा एक सामाजिक ढांचा बन जाए तो देश में जो ये किल्लत है किडनी ट्रांसप्लांट की या लीवर ट्रांसप्लांट की या हृदय या वो बहुत कम हो सकती है। इसके लिए एक सामाजिक जागरूकता और एक मन को पक्का करना और एक किसी भी प्रकार की भ्रांतियों में ना रहना और समाज के प्रति एक बड़े हृदय के साथ देखना कि हमारा घर का व्यक्ति तो चला गया, चाहे वो किसी भी आयु का है, पर किसी मेरे इसके शरीर के माध्यम से किसी दूसरे को जीवन दान मिल जाए, ये एक बहुत बड़ा हृदय चाहिए इसके लिए। ब्रेन डेड और कोमा जी। जब आपको पता चला था, जब डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, क्या तब फीलिंग क्या थी आपकी? बस जी ऐसा लग रहा था अब कुछ रहा ही नहीं, मुझे इन्हीं की दया था सब कुछ। अगर ये ना बताओ तो हमें पता ही नहीं चला था कुछ भी। कितना अच्छा महसूस हो रहा है पहले से? 8 महीने के दौरान जब से आपका ट्रांसप्लांट हुआ जी, उन 8 महीनों में डेली में कितनी आई दिन कोई नई रिकवरी? हाँ जी, रिकवरी हो रही है, थोड़ा शरीर में भी जान आ रही है पहले से। तो अभी आप कितना दूर चल लेते हो पैदल? मैं लगातार चलने में 1 किलोमीटर चल सकता हूँ। चल सकते हो 1 किलोमीटर? हाँ। और कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती आपको? नहीं, कोई दिक्कत नहीं होती। तो खाने पीने में भी क्या कोई जीवन होता है जी? नहीं, सब नॉर्मल जीवन है। नॉर्मल जीवन है, सामान्य जीवन है, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इन्फेक्शन और तो इनको अगले दिन ही आ जाती है। बाकी अस्पताल से डिस्चार्ज इनका 25 जनवरी को हुआ, लगभग 30-35 दिन के बाद इनको वहाँ से डिस्चार्ज कर दिया गया। इस केस में सबसे अच्छी बात थी क्योंकि इनकी आयु कम थी, ये 30s ऑफ हिज लाइफ थे, तो शरीर की जो बाकी अंग हैं, चाहे वो मांसपेशियाँ हैं, जो बाकी अंग हैं वो स्वस्थ होते हैं, तो रिकवरी में हेल्प रहती है। और इनको बाकी कोई बीमारियाँ नहीं थी जैसे शुगर हो या ब्लड प्रेशर हो। तो जब जिस व्यक्ति को बाकी बीमारियां नहीं है उसके में प्रत्यारोपण के बाद जो रिकवरी है वो बहुत फास्ट होती है।